बिलासपुर जिला के लगभग 15 पंचायतों को जोड़ने वाला बम ब्रिज आज अपनी बदहाली पर आंसू रोने को मजबूर है। आलम ऐसा है कि एक ओर जहां ब्रिज में जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं तो साथ रेलिंगें भी टूट गई हैं। इसके चलते कोई बड़ा हादसा पेश हो सकता है। वहीं ब्रिज की खस्ता हालत को लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने प्रदेश सरकार व प्रशासन से ब्रिज की जल्द मरम्मत करवाने की अपील की है। तो वहीं लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता आर के वर्मा ने 16 लाख के बजट से जल्द ही पुल की मरम्मत किए जाने की बात कही है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि काफी समय से बम ब्रिज की हालत जस की तस बनी हुई है, जिसके चलते पुल की रेलिंग भी टूट चुकी है। वहीं अब बरसातों का दौर भी शुरू है और ऐसे में खड्ड में पानी का बहाव तेज होने के दौरान किसी बच्चे व बुजुर्ग के रेलिंग से गिरने के चलते कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इसलिए प्रशासन व सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द पुल की मरम्मत का काम शुरू किया जाए ताकि किसी बड़े हादसे को होने से रोका जा सके। वहीं इस समस्या के बाबत जब लोक निर्माण विभाग बिलासपुर के अधीक्षण अभियंता आर के वर्मा से पूछा गया तो उन्होंने माना कि बम ब्रिज की हालत खस्ता है और जिससे आने वाले समय में लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने ब्रिज की जल्द मरम्मत के लिए लगभग 16 लाख टेंडर पास करने और जल्द ही मरम्मत कार्य शुरू करवाने की भी बात कही है ताकि आने वाले समय में स्थानीय ग्रामीणों को किसी भी तरह की कोई भी परेशानी का सामना न करना पड़े। पंजाब से जिला कांगड़ा में ईंटे लाकर बेचने की शिकायतें खाद्य आपूर्ति विभाग को मिल रही हैं, जिस पर विभाग कार्रवाई करने जा रहा है। जानकारी के अनुसार ईंट भट्टे वाले ही ईंटे बेच सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद जिला में कई लोग ईंटों को डंप करके या पंजाब से ईंटे लाकर बेच रहे हैं। इस संबंध में विभाग को भी शिकायतें मिली हैं। गौरतलब है कि इससे पहले गत वर्ष भी विभाग को ऐसी शिकायतें मिली थी, जिस पर जनवरी माह में विभाग ने 8 लोगों के खिलाफ नूरपुर पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाई है। उधर ईंट भट्टा एसोसिएशन सरकार से बाहर से ईंटे लाकर बेचने वाले लगाम कसने की गुहार लगा चुकी है। ईंट भट्टों के लाइसेंस खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा ब्रिक कंट्रोल ऑर्डर 1969 के अंतर्गत दिए जाते रहे हैं, जिसका फायदा उठाकर कुछ डंप वालों ने लाइसेंस ले लिए, जिसके चलते ईंट भट्टा एसोसिएशन ने नुकसान को देखते हुए सरकार से अमेंडमेंट करवा ली थी। ऐसे में डंप वाले बाहर हो गए तथा केवल जिसके पास ईंट भट्टा होगा वो ही ईंट का व्यापार कर सकता था। 2 साल पहले फिर से लोग हाईकोर्ट में गए थे, जिस पर सरकार ने हाईकोर्ट की डायरेक्शन पर इसमें संशोधन कर दिया, जिससे जो भी व्यक्ति ईंटों का कारोबार करना चाहता था उसे लाइसेंस दिए जाने लगा। इसके बाद ईंट भट्टा एसोसिएशन ने फिर न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और वहां से सरकार द्वारा किए गए संशोधन पर स्टे लग गया, जिसके चलते डंप के जो लाइसेंस दिए थे उन्हें रिन्यू नहीं किया गया और पिछले लाइसेंस कैंसिल हो गए। जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक नरेंद्र धीमान ने कहा कि विभाग को पिछले साल नवंबर दिसंबर शिकायतें मिली थी, जिनके अपने ईंट भट्टे नहीं हैं, वो पंजाब से ईंटें लाकर बेच रहे हैं, जिस पर जनवरी माह में 8 लोगों के खिलाफ FIR नूरपुर पुलिस थाना में दर्ज की है, जिसका चालान पुलिस कोर्ट में पेश करेगी। अब पुणे ऐसी ही शिकायत आई है जिस पर कार्रवाई की जाएगी। डंप करने वालों पर तो हम कार्रवाई कर पाएंगे, लेकिन गाड़ियों से ईंटे ट्रांसफर करने वालों पर हमें कार्रवाई करना मुश्किल होगा। भाई बहन की पवित्र त्योहार रक्षाबंधन के पर्व पर देश की सरहदों पर तैनात सैनिकों की कलाइयों पर इस बार भी हिमाचल डिफेंस वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा भेजी गई राखियां सजेंगी। ये जानकारी हिमाचल डिफेंस वेलफेयर एसोसिएशन की अध्यक्ष आशा ठाकुर ने दी। उन्होंने कहा कि इस बार देश की सीमाओं पर 5000 राखियां भेजी जा रही हैं। हिमाचल डिफेंस वेलफेयर एसोसिएशन की सदस्यों द्वारा भेजी गई राखियां सरहद पर तैनात सैनिकों की कलाइयों पर सजेंगी। हर वर्ष की भांति इस बार भी हिमाचल डिफेंस वेलफेयर एसोसिएशन की सदस्यों द्वारा सरहदों पर तैनात सैनिकों के लिए
अपने हाथों से बनाई राखियां भेजी हैं। वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों का कहना है कि भाई बहन के पवित्र रिश्ते का प्रतीक ये राखियां सरहदों पर तैनात सैनिकों का मनोबल बढ़ाती हैं, इसलिए हिमाचल डिफेंस वेलफेयर एसोसिएशन पिछले कई वर्षों से रक्षाबंधन पर सरहदों के लिए राखियां भेजती हैं। हिमाचल डिफेंस वेलफेयर एसोसिएशन की अध्यक्षा आशा ठाकुर ने बताया कि इस बार 5,000 राखियां जम्मू कश्मीर पर ले सहित देश की सीमाओं पर तैनात सैनिकों के लिए भेजी जा रही हैं। आशा ठाकुर ने देश की सीमाओं पर तैनात सैनिकों की दीर्घायु की कामना की है और उन्हें रक्षाबंधन की बधाई दी है। इस अवसर पर रीता ठाकुर तथा उषा शर्मा सहित हिमाचल डिफेंस वेलफेयर एसोसिएशन की कई सदस्य मौजूद थे।